हॉब्स और लॉक एज ऑफ एनलाइटमेंट के पिलर के नाम से जाने जाते हैं। 1700 ऑनवर्ड्स यूरोप में आए सोशल टर्मोइल को शेप करने में भी इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लॉक और हॉब्स ने 17वीं सेंचुरी के इंग्लैंड के आदमी के सवालों पर अपने फिलॉसफी के थ्रू पर्सपेक्टिव प्रदान किए और तो और उस समय बदलते हुए सोशल लैंडस्केप में भी एक नई दिशा दिखाई। हॉब्स जहां एक तरफ एब्सोल्यूटिस्ट पर्सपेक्टिव पर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू करते हुए दिखते हैं, तो वहीं लॉक ने डेमोक्रेटिक सोच व सिद्धांतों को फिलोसफी और रिलीजन दोनों के थ्रू समझाया। हॉब्स और लॉक लगभग एक ही समय के फिलोसोफर थे। उनके करियर और कनेक्शन ने उन्हें नई नई दिशा प्रदान की। हॉब्स के पिता एक विकार थे और लॉक के पिता भी एक प्यूरिटन फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों ही फिलोसोफर वेल्दी थे, तो जिसके चलते उनके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थॉमस हॉब्स जहां विलियम कैवेंडिश के से एसोसिएटेड थे, जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट के फाइनेंशियर थे सिविल वॉर्स के दौरान, और हॉब्स ने फ्यूचर किंग चार्ल्स टू को ट्यूशन भी दिए थे। ये भी एक रीजन है कि उनकी सोच जो थी और उनकी थ्योरीज में एक रॉयलिस्ट अप्रोच देखने को मिलता है। दूसरी तरफ लॉक एक प्यूरिटन फैमिली से बिलोंग करते थे और ऑक्सफोर्ड में मेडिसिन पढ़ने के बाद अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी लॉर्ड एशले कूपर के साथ उनके लिवर की प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए उनके साथ ही रहने लगे। उनके अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी के साथ काफी उठना बैठना था और विग्स पार्टी, जिसका ग्लोरियस रेवोल्यूशन में मेन रोल था, उसका भी इन्फ्लुएंस लॉक पर पड़ा। यही रीजन है कि लॉक लिबरलिज्म को प्रमोट करते हुए दिखे और गवर्नमेंट के जरिए एब्सोल्यूट मोनार्की को ब्रेक करना चाहते थे। इन दोनों ही फिलोसोफर्स ने अपनी थ्योरीज और अपने पर्सपेक्टिव को स्टेट ऑफ नेचर के थ्रू समझाया। तो आइए समझते हैं थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या कहता था। थॉमस हॉब्स ने अपने बुक लिवाइथन में बताया कि अगर इंसान को उसकी नेचुरल अवस्था में ऑब्जर्व किया जाए, जिसे उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया, तो उसकी लाइफ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट थी। मनुष्य अपने नेचुरल स्टेट में एक दूसरे पर डोमिनेट करना चाहता था और इसके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था। थॉमस हॉब्स ने सिक्योरिटी को फ्रीडम से ऊपर रखा। उन्होंने बताया कि हर इंसान को अगर इक्वल फ्रीडम मिलती है, तो कोई भी इंसान अपनी फ्रीडम का गलत फायदा उठा सकता है अगर कोई लॉज नहीं है, और इसके चलते वो किसी की लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए और किस पे नहीं। हॉब्स के अनुसार इंसान इस स्टेट ऑफ नेचर से हमेशा बचने की कोशिश करता है। स्टेट ऑफ नेचर को अवॉइड करने के लिए वो अपने बीच में से किसी व्यक्ति को चुनता है, जिसे लिवाइथन का नाम दिया जाता है। लिवाइथन लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सोशल अरेंजमेंट था जिसमें लोग अपने सभी अधिकारों को समर्पित कर देते थे लिवाइथन के लिए, और उसके बदले में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जिसके चलते उन्हें अपनी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन मिलती थी। हॉब्स के अनुसार लिवाइथन रिवोल्ट करने का भी अधिकार देती थी अगर गवर्नमेंट या मोनार्क उसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने में फेल हो जाए तो। दूसरी तरफ जॉन लॉक ने भी स्टेट ऑफ नेचर की बात कही। जॉन लॉक ने बताया, स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी अपॉलिटिकल अवस्था है जहां कोई भी गवर्नेंस नहीं है और हर इंसान को अपने सारे नेचुरल राइट्स थे। लोगों को सारे नेचुरल राइट्स थे, इंक्लूडिंग अपनी सेफ्टी, अनक्लेम्ड लैंड, अनक्लेम्ड वैल्यूएबल पर अधिकार। ये राइट्स उसे बाय बर्थ मिले थे। उन्होंने बताया कि हर आदमी औरत जो इस प्लैनेट पे जन्मा था, उसको राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और प्रॉपर्टी भी था। यही है लॉ ऑफ नेचर, और इसके अधीन कोई भी किसी की भी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू लॉक, केवल क्रिएटर ही अपनी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इंसान भगवान के द्वारा क्रिएटेड है, इसलिए कोई भी इंसान किसी की हत्या नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाइबल का क्लियर इन्फ्लुएंस है और उनके रिलीजियस बैकग्राउंड का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे खास तौर पे देखने को मिलता है। तो जॉन लॉक के अंतर्गत आम आदमी अपने बीच में से एक प्रतिनिधि चुनकर उससे एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है। अनलाइक हॉब्स, वो अपने सारे नेचुरल राइट को उसको समर्पित नहीं करता, जैसे फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी आदि। सरकार, जजेस और एग्जीक्यूटिव की मदद से इंसान को प्रोटेक्शन देती है, और इसमें सरकार के चुनाव में कंसेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की ओर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाए। ये पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट अपने ही लोगों के अगेंस्ट वॉर कर दे तो, या गवर्नमेंट एक लॉ इन्फोर्स करे जिसे कोई भी मंजूरी ना दे, या गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन के नेचुरल लॉज को वायलेट करे।
तो जैसा कि आपने देखा, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जहां थॉमस हॉब्स एक पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान को उसके नेचुरल स्टेट में पिक्चराइज करते हैं, दूसरी तरफ जॉन लॉक इंसान को एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, आदमी अपने नेचुरल स्टेट में ब्रूटिश हो सकता है, बट जॉन लॉक के अकॉर्डिंग वो बहुत ही प्लेजेंट होता है और लिबरल होता है अगर उसे अपने सारे नेचुरल राइट्स दिए जाए तो। जहां एक तरफ थॉमस हॉब्स की सारी आइडियोलॉजी एब्सोल्यूट मोनार्की को प्रमोट करते हुए दिखती है, दूसरी तरफ जॉन लॉक की फिलॉसफी डेमोक्रेसी की तरफ इशारा करती है। थॉमस हॉब्स जहाँ पे कहते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करने के लिए तुला रहता है, दूसरी तरफ जॉन लॉक कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी नेचुरल स्टेट में छोड़ा जाए तो हर इंसान का अपने पड़ोसी के प्रति नजरिया बहुत ही प्लेजेंट रहेगा। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का पर्पस था टू कीप लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी तरफ जॉन लॉक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का पर्पस था इंडिविजुअल की लिबर्टी और राइट को प्रोटेक्ट करना। ये दोनों ही फिलोसोफर एज ऑफ एनलाइटमेंट के बहुत ही सेलिब्रेटेड फिलोसोफर हैं और इनकी फिलॉसफी आज भी स्टडी की जाती है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा या कुछ नया जाना तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।